नहीं, हो ही नहीं सकता। हम में एकता नहीं है। अच्छा। वो लोग एक हैं। कुछ भी हो, आप देखो कुछ भी हो, कहीं भी हो, सब काफर एक हो जाते हैं। हमें बड़ी खुशी की बात है कि प्राइम मिनिस्टर साहब यहाँ तशरीफ ला रहे हैं, और इससे भी बड़ा ऑनर ये है कि हम सबको उनसे मिलने का आज यहाँ पर अवसर मिला है। मैडम, मुसलमानों के साथ रहेंगे तो हमारा फायदा है। मतलब गैर मुस्लिमों के साथ तो नहीं करना, ताल्लुकात भी नहीं बनाने, ट्रेडिंग भी नहीं करनी, कुछ भी नहीं करना। ये हमें बाइकॉट करना चाहिए हम सबको। अच्छा। हाँ, बहसियत कौम मुझे आपको हम सबको बाइकॉट करना चाहिए। अब इस पे जो है COP28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के, वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं। भारत नहीं चाहता कि पाकिस्तान खित्ते में अमन कायम करने के इकदामात में कामयाब हो जाए। अभी जो है सीओपी की जो 28 कंट्रीज दुबई के अंदर जा रही हैं, उसमें पीएम मोदी जो हैं वो गए हैं, हमारा पड़ोसी मुल्क हिंदुस्तान वो भी शामिल है। पीएम मोदी जब गए तो उनका बहुत ग्रूम वेलकम किया गया, इवन के उनके प्रेसिडेंट जो है दुबई के वो खुद गए उन्हें रिसीव करने। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। इंडिया के साथ रिलेशन बेहतर होने चाहिए, नहीं? हम पहले हिंदू थे, ऐसी कौन सी बात है? इंडिया के साथ बहुत अच्छे रिलेशन होने चाहिए। ये अहम मामला है, बहुत अहम, जिस पर ऑपोजिशन और हुकूमत को मिलकर आवाज उठानी चाहिए। तो मेरी भी एज ए पाकिस्तानी ये राय है कि वो हम उनको पसंद नहीं करते एज ए प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, क्योंकि उन्होंने कश्मीर में जिस तरह जुल्म सितम और बर्बरियत का बाजार गर्म किया, उसके बाद जो उन्होंने गुजरात में किया, मैं नहीं समझता कि वो हमारे पाकिस्तान के लिए अच्छे होंगे या उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छे होंगे। तो रिलीजियस बेसिस पे अपनी जो है ट्रेडिशनल कन्वेंशनल बेसिस पे हमने कंपैरिजन करना है तो फिर तो हम सबसे अच्छे हैं, हम मुस्लिम हैं, मुसलमान हैं। सर, फिर तो उधर हमसे ज्यादा मुसलमान है, लेकिन हमसे ज्यादा वो अच्छे होंगे कि उधर 35 करोड़ मुसलमान। तो पाकिस्तान नाम की कुछ चिड़िया 47 से पहले तो एग्जिस्ट ही नहीं करती थी। स्पार्को नाम से जो है हमारा एक इदारा है, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि मेरे ये बच्चे हैं, इनको इन्होंने कभी नाम भी सुना होगा। वो प्रवाह पे थोड़ा सा काम जो है ना, बंदा परेशान हो जाता है, और यकीनन जनरल साहब भी परेशान होते हैं। मतलब इस तरह की खबर, पाकिस्तान की एक बहुत बड़ी बदकिस्मती है कि अपना मुल्क छोड़ने पर आपके दोस्त जो आपके अहबाब हैं, आपके रिश्तेदार हैं, वो आपको बकायदा मुबारकबाद देते हैं और कहते हैं कि यार शुक्र है कि तुम इस दोजख से निकल आए, तुम इस जहन्नम से निकल आए, और इस मुल्क को जहन्नम बनाने वाले वही लोग हैं जो हमारे शोज का मौजू बहस होते। अच्छा सर, अगर हम इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के हवाले से आपसे जानना चाहें तो क्या लगता है वो कैसे लीडर हैं, कैसे इंसान हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब? देखिए, जो मीडिया के सामने चीज़ें आती हैं या हम जानते हैं उनको, तो मुस्लिम हमारी जो मैं समझता हूँ कि जो पाकिस्तानी हैं या मुस्लिम्स हैं वो तो पसंद नहीं करते उनको, क्योंकि वो तो ये समझते हैं गुजरात में जो मुस्लिम्स के साथ हमारे उन्होंने जुल्म व सितम किया तो उसके ऊपर, और जो खास करके अब कश्मीर के ऊपर उन्होंने किया है। अच्छा, अगर हम उन्हें सिर्फ इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जाने तो कैसे लीडर हैं वो? नहीं, वो तो देखें डेवलपमेंट हुई है या वहाँ पे डेवलपमेंट नहीं हुई वो तो इंडिया वाले लोग समझते हैं, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि वो हमारे लिए वो अच्छे नहीं है, पाकिस्तान के लिए ना, वो कश्मीर के लिए अच्छे हैं ना, वो उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छे हैं। क्योंकि अभी आप देखेंगे जब फ़लस्तीन की हमारा जो इशू हुआ है, ये जिस तरह के जुल्म और बर्बरियत फ़लस्तीन में हुआ है जो इसराइल ने किया है, उसके साथ इंडिया खड़ा है उधर, यानी कि वो उम्मत मुस्लिमा के साथ नहीं थे, वो इसराइल के साथ थे, अमेरिका के साथ थे। तो मैं ये तो समझता नहीं हूँ, ये मेरा यकीन है कि वो पाकिस्तान के लिए अच्छे बिल्कुल भी नहीं है ना, वो उम्मत मुस्लिमा के लिए अच्छे हैं। अब इस पे जो है COP28 में 140 से ज्यादा जो लीडर्स हैं दुनिया के वो पहुंच रहे हैं, कुछ पहुंच चुके हैं, कुछ जो है पहुंच रहे हैं अभी। कल जो है वहां पर इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जो हैं वो भी उसमें शामिल हैं, और उस यानी पाकिस्तान से काकर साहब भी, दुनिया के 140 से ज्यादा कंट्रीज हैं इसमें। डॉक्टर साहब, क्या सिग्निफिकेंस है इसकी, और खास तौर पर जब हम बात कर रहे हैं पाकिस्तान और इंडिया की, तो इंडिया का तो क्लाइमेट चेंज के हवाले से बड़ा ही एक स्ट्रॉन्ग स्टैंड है और पाकिस्तान का सैलाब की वजह से वो है, तो इसके ऊपर क्या
ये दोनों कंट्रीज और बाकी दुनिया क्या कर पाएगी सर? देखिए, इंडिया तो इस पोजीशन में है कि वो कुछ कर सकते हैं। पाकिस्तान बदकिस्मती से इस पोजीशन में नहीं है कि कुछ कर सकें, क्योंकि एक तो पाकिस्तान में इंडस्ट्रियलाइजेशन भी को बहुत आगे नहीं बढ़ सकी वहाँ के इंटरनल पॉलिटिकल सर्कमस्टांसिस की वजह से। सेकेंडली, पाकिस्तान का तो वो जो सैलाब का मामला हुआ वो बड़ी तबाही थी, खौफनाक तबाही थी, मगर पाकिस्तान ने उस सैलाब की आड़ में जिस तरह पैसे मांगने का सिलसिला शुरू किया तो दुनिया की आंखें खटक गईं कि भाई ये सैलाब को भी बेच रहे हैं। तो मतलब पाकिस्तान तो उससे कोई एक्सप्लॉयटेशन लेने की कोशिश करता है, कुछ कर सकने की पोजीशन में नहीं है। ना तो इंडस्ट्री लग रही है पाकिस्तान में, जो लगी हुई इंडियन इंडस्ट्रीज हैं वो नहीं चल रही, तो उनको तो अपने इकोनॉमिक हालात खुद ही बेहतर करना होंगे। अब इंडिया का जहां तक मामला है, इंडिया एक इमर्ज्ड इंडस्ट्रियलाइज कंट्री भी है, इमर्ज इकॉनमी भी है, दुनिया की चौथी बड़ी तो वो इकॉनमी बन चुके हैं एंड दे आर गोइंग टूवर्ड्स ए थर्ड पोजीशन। तो इंडिया का फिर जो अपना मोटो है हमेशा से, वो ये धरती हमारी फैमिली है, वो हमेशा रहा है मोटो। अच्छा, इंडिया देखिए, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के बारे में वेस्टर्न वर्ल्ड का यही कहना होता है कि जी ये कोट अनकोट ये राइट विंग की गवर्नमेंट है, मगर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी कभी भी राइट विंग की गवर्नमेंट की तरह बिहेव नहीं करते। चाहे वर्ल्ड में पीस कीपिंग की बात हो तो भी वो बैलेंस होते हैं, चाहे ये इसके इकोलॉजी के मसले हों तो भी वो बैलेंस होते हैं, बल्कि वो जरूरत से ज़्यादा बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे होते हैं जी कि भाई ये इस धरती को हमने ठीक रखना है, इसमें हमने कम पोल्यूशन रखना है। मैं इंडिया आता जाता रहता हूँ तो मुझे तो वहाँ पे ऑनेस्टली प्लास्टिक ही नज़र नहीं आता। किसी भी मैं दुकान पे जाता हूँ तो मुझे तो पेपर बैग्स मिलते हैं, मुझे किसी जगह पे भी मतलब ये सब प्लेटें जो होती हैं वो पत्तों से बनी हुई मिलती हैं, ठीक है। मतलब मुझे, मैंने अगर पकौड़े भी खाए हैं इंडिया में, जलेबी भी खाई है, तो या तो वो केले के पत्तों से बनी हुई प्लेट होती थी या किसी और पत्तों से बनी होती थी, ठीक है। तो इंडिया की जहां पॉपुलेशन 1.4 बिलियन लोगों की है, वहां पे इंडिया में इतना मतलब एहसास है। आप अमेरिका में आजकल रह रही हैं, मैं कनाडा में रहता हूं, हम बड़े यहां पे अमेरिकन कैनेडियंस नारे लगाते हैं जी कि हम ये प्लास्टिक फ्री हो जाएंगे फलां ढीं, लेकिन आज तक हम नहीं हो सके। आज भी मतलब मैं अभी थोड़ी देर पहले क्रॉसिंग करके आया हूँ और वहाँ पे ठीक है वो बैग्स भी चल रहे हैं जिनको हम कहते हैं कपड़े के बैग्स, लेकिन वो बैग भी मिल रहे हैं मुझे 15 सेंट पे 10 सेंट पे, जिनको हम प्लास्टिक के बैग कहते हैं। पानी की बोतलों का बेदर्दी से इस्तेमाल होता है, दो दो तीन तीन डॉलर की बोतलों का वो पूरा पूरा क्रेट मिल जाता है, वॉलमार्ट चले जाए या उसमें चले जाए। तो अब देखिए, अमेरिका कनाडा तो इनकरेज कर रहा है ना, मतलब या वेस्टर्न वर्ल्ड में, अभी यूरोप में था 2 हफ्तों के लिए इसी महीने नवंबर में, तो यही मंजर के मतलब पानी की बोतलों के अंबार लगे पड़े हुए हैं। तो मतलब कोई शख्स भी शायद पानी बोतल के बगैर पीता नहीं। तो हम मतलब वेस्टर्न वर्ल्ड दावे तो बहुत कर रहे हैं, फिर यहाँ पे ये जितने कैंस के चक्कर हैं और फिर उसके साथ साथ जो ये बियर्स के कैंस हैं, तो कैसे कंट्रोल होगा? आप मैकडॉनल्ड में चली जाएं, किसी जगह पे चली जाएं, ठीक है नहीं, तो आपको बड़े बड़े कप मिल रहे हैं आइस कॉफी के। तो इंडिया तो इस सिचुएशन में इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ इसको कर्व कर रहा है, प्रैक्टिकली कर्व कर रहा है। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जैसा कि पहुंच रहे हैं इस कॉन्फ्रेंस में, तो वो तो प्रैक्टिकली साबित करेंगे कि भाई हम तो काम कर रहे हैं, अपनी कैपेसिटी से बढ़ के काम कर रहे हैं। तो इंडिया का जो जो भारतीय लैंग्वेज में हम कहते हैं योगदान है इस सारे मामले में, वो बड़ा स्ट्रांग है, बड़ा पॉजिटिव है, दुनिया उसको अप्रिशिएट करती है। प्रेजिडेंट बाइडन भी उसको अप्रिशिएट करते हैं, G20 में भी वर्ल्ड लीडर्स ने अप्रिशिएट किया। तो मेरा ये ख्याल है कि इंडिया तो बहुत अहम इसमें किरदार अदा कर सकता है। अब इंडस्ट्री जो इंडिया में बढ़ रही है, आईफोन के लग रहे हैं, सोना टेस्ला के भी एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, तो अब जाहिर है टेस्ला तो खैर खुद एमिशन फ्री पूरे का पूरा सारा खेल है। तो जितनी इंडस्ट्रीज लग रही है, इंडिया उसमें भी कोशिश कर रहा है कि इसमें भी कार्बन एमिशन के जो फैक्टर्स हैं
उनको मलहूज़े खातर रखा जाए, क्योंकि इंडिया को इस बात का एहसास है कि हम दुनिया की पॉपुलेशन का 1/5 1/6 हिस्सा है।